जबरदस्त इमोशंस और अपने धमाकेदार म्यूजिक से सभी का दिल जीतने वाली मराठी फिल्म वेड बॉक्स ऑफिस पर अपने 12 दिन पूरे कर चुकी है। दोस्तों आज इस फिल्म का 13वां दिन, और दोस्तों आपको बता दें कि 13वें दिन भी ये फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही। जी हां दोस्तों, इस फिल्म के कलेक्शन में थोड़ी ड्रॉप देखी गई है, लेकिन दोस्तों ये फिल्म अभी भी पहले जैसी धमाकेदार कमाई कर रही है। तो दोस्तों अगर आप भी मराठी फिल्म वेड को देख चुके हैं, जानना चाहते हैं इस फिल्म की शुरुआती 13 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। आइए शुरू करें। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अपनी धमाकेदार लव स्टोरी, इमोशंस और रोमांस के चलते मराठी फिल्म वेड ने अपने शुरुआती 12 दिनों में लगभग 29,70,00,000 की कमाई मराठी के साथ साथ दुनिया भर से कर ली, जो कि किसी भी मराठी फिल्म के लिए काफी बड़ी बात है। दोस्तों आपको बता दें कि आज इस फिल्म का 13वां दिन, और दोस्तों 13वें दिन भी ये फिल्म लगभग 1,50,00,000 की कमाई मराठी के साथ साथ दुनिया भर से कर रही है। इसी के साथ इस फिल्म का टोटल 13 दिनों का कलेक्शन लगभग 31,20,00,000 का हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि यह फिल्म अभी काफी दिनों तक कमाई करने वाली है, जब तक यह फिल्म लगभग 40-50 करोड़ की कमाई आराम से कर लेगी। और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म का बजट मात्र 15 करोड़ का था, और दोस्तों जैसे इस फिल्म की परफॉर्मेंस देखी जा रही है, यह फिल्म अपने बजट से लगभग 3 गुना तक की कमाई करते हुए मराठी सिनेमा की एक और सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन जाएगी। आइए दोस्तों बात करते हैं एक और मराठी फिल्म सूर्या के बारे में, जिसने की अपने शुरुआती 5 ही दिनों में लगभग 6,60,00,000 की कमाई मराठी के साथ साथ दुनिया भर से कर ली है। और दोस्तों आज इस फिल्म का 7वां दिन, दोस्तों आज के दिन ये फिल्म लगभग 40,00,000 की कमाई ही कर पा रही है। इसी के साथ इस फिल्म का टोटल 6 दिनों का कलेक्शन लगभग 7,00,000 का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस फिल्म का बजट लगभग 8 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, और दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शन में दिन ब दिन ड्रॉप देखी जा रही है, जिसके हिसाब से ये फिल्म अपने लाइफ टाइम लगभग 8-9 करोड़ तक की कमाई कर सकती है और एक एवरेज फिल्म बन सकती है। तो दोस्तों आपका दोनों मराठी फिल्में कैसी लगी, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई कर सकती है, आपकी राय में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉक्स ऑफिस ज्ञान को।